Hi everyone, my name is Pooja Rawat, and I welcome you all on the current affairs series for Nabard exam. So this is our fifteenth session. All right. Before beginning our session, those who are watching this channel for the first time, do not forget to subscribe our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group wherein you can post your queries and you will also get notified of. Latest updates regarding the upcoming exams, right? So, let's just begin our session with the first question, and which says, Consider the following statement with respect to India's first agriculture export facilitation center. Okay, so this is one of a kind uh, facilitation center, and it is India's first. Okay, so there are these uh, statements first is this one is launched by Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture along with RBI in Pune. Okay, so this statement is wrong because here RBI is not the partner but NABARD. Okay, so all the initiatives related to NABARD are very important. Okay, so you should remember this. So this facilitation center is launched by Maharashtra Chamber of Commerce Industries along with the RBI in Pune. Second statement here is it will provide guidance in areas such as Orchard management, branding, marketing and government export schemes. Okay. So this statement is correct See, as the name suggests this center will facilitate the agriculture exports. राइट right? तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जब आप किसी प्रोडक्ट को करते हैं कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उसकी ब्रांडिंग का हाउ आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द ग्लोबल मार्केट राइट उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी एंड ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर सपोर्टिंग दैट आर फेसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट बिजनेस ठीक है तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने देखा होगा इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, policy, अगर है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर देखें तो दैट एम्स टू डबल द करंट एक्सपोर्ट राइट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करने की बात करती है सो देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स एंड इनिशिएटिव दैट हेल्प्स पीपल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट राइट सो दिस फेसिलिटेशन सेंटर विल एक्ट एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दीज असिस्टेंस राइट so first one is wrong only second option is right the correct option here would be B right let's move on to the second question and okay so this one is about India's first agriculture export facilitation center so we have already discussed this remember these bodies and the place where it is situated that is the pony significance hai, it will boost द एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट एग्जैक्टली ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट विल एक्ट एज अ वन स्टॉप शॉप टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन सो इट्स गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द फेसिलिटीज ऑल दैसेसिटी दैट रिक्वायर्स इन एक्सपोर्टिंग वन प्रोडक्ट राइट देन इट विल ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द ए एरिया सच इज़ मैक्म रेजिड्यू लेवल अब ये मैक्मम रेजिड्यू लेवल क्या होते हैं ये थोड़ा समझने की चीज़ है यहाँ पर सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड ओके जो कि आपके फूड प्रोडक्ट में या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इन जनरल रह सकता है दिस इज द लीगल लिमिट एक तरीके से आप ये बोलेंगे ये लीगली अलाउड है लीगल लिमिट है सॉरी ठीक है सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्ट रेजिड्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑन योर फूड प्रोडक्ट दिस इज द मैक्सम रेजन्यू लेवल देन ऑर्चर मैनेजमेंट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंट्री वाइज प्रोटोकॉल्स क्या क्या है नेशन वाइड प्रोटोकॉल्स क्या हैं गाइडलाइंस क्या हैं एंड देन दी स्पेशल एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट्स एंड द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट स्कीम्स राइट देन इट ऑल्सो गोइंग टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओके सो जो भी फार्मर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग कराएगा कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जाएगी बेसिकली अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी सो दैट पीपल शुड नो अबाउट इट राइट देन इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो दैट एम्स टू डबल द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू अराउंड सिक्सटी बिलियन डॉलर तो एट प्रेजेंट जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इट स्टैंड अराउंड थर्टी बिलियन यू एस डॉलर सो इट एम्स टू डबल दैट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड दिस फेसिलिटेशन सेंटर इज गोइंग टू हेल्प

फर्स्ट थिंग द ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो गलत है भाई ठीक है दिस इज रॉन्ग वाई दिस वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ओके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सो जैसे कि मैंने बोला क्यों दिस करंट में सीरीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राइट तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लस रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी दीज आर इंपॉर्टेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली ये एक ऐप लॉन्च किया है क्या करेगा ये इट विल टेक रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स एट मनरेगा वेबसाइट एब्सोल्युटली करेक्ट तो मनरेगा जो वेबसाइट्स हैं आपको पता है मनरेगा गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता है हंड्रेड डेज का उनको वर्क प्रोवाइड किया जाता है काम प्रोवाइड किया जाता है ठीक है टू एलिवेट पॉवर्टी बेसिकली है ना रूरल एरियाज़ में विलेज़ में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं या कोई ब्रिज बन रहा है रोड बन रही है जो जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होते हैं वहाँ पे इन लोगों को हंड्रेड डेज का जो है वर्क प्रोवाइड किया जाता है है ना तो मनरेगा वर्क साइट्स में अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है नॉर्मली आपने देखा होगा कि मेन प्रॉब्लम मनरेगा स्कीम के साथ क्या थी कि डिले इन पेमेंट्स जो सैलरी है उसमें काफ़ी डिले होता है काफ़ी महीनों बाद जो है उनको पैसा दिया जाता है सो दिस ऐप बेसिकली मॉनिटर द अटेंडेंस अब जब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी अटेंडेंस की सो so, जो मेंटेनेंस होता है रजिस्टर का कि किस इंसान ने कितने दिनों तक काम किया है वो जो प्रॉब्लम होती है अब यहाँ पर क्या हो जाएगी वो रिमूव हो जाएगी ठीक है तो रियल टाइम यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी तो जो डिस्बर्सल है इनकम का या सैलरी का दैट विल ऑल्सो बी फासन ओके सो इट्स गोइंग टू हेल्प इन टू दैट सॉरी दिस स्टेटमेंट इज कर सो करेक्ट ऑप्शन है वुड बी बी ओके

उस टाइम पे आपका क्या है लोकेशन भी आइडेंटिफाई होगा ठीक तो है तो जियो टैग योर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं उस एरिया के दैट विल आल्सो गेट रजिस्टर्ड अलोंग विद योर फोटोग्राफ ठीक है तो ये एक प्रूफ होगा कि दैट पर्सन वाज प्रेजेंट एट साइट एंड ही और शी वाज वर्किंग दैर नाउ द ऐप विल हेल्प इन इंक्रीजिंग सिटीजन ओवर साइट ऑफ द प्रोग्राम राइट सो जो भी प्रोग्राम है जो भी स्कीम के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसके अंडर दैट विल ऑल्सो गेट मॉनिटर्ड and it will also potentially enable processing of payments in a faster manner क्यों जब मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है अटेंडेंस जो है वो रियल टाइम हो रही है तो जो डिस्बर्जल है इनकम का दैट विल ऑल्सो बी फास्टर ना अलॉन्ग विद एप देर इज अनदर ऐप देर इज अनदर ऑफ दैट वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉल्ड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप सो इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है जो एरिया ऑफिसर है वो कुछ मॉनिटर करेगा ठीक है और इस ऐप के थ्रू मॉनिटर करेगा क्या होगा इन अ बिट टू फैसिलिटेट सो दिस वॉज लॉन्च इन बिट टू द अथॉरिटीज टू रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स ऑनलाइन ठीक है तो यहाँ तो क्या किया यहाँ मनरेगा जो वर्कर्स हैं उनको उनकी रियल टाइम अटेंडेंस की जा रही है उनकी जियो फोटोग्राफ भी क्लिक की जाएगी जिससे कि उनकी लोकेशन का पता चल जाए कि वो आ, इस साइट पर प्रेजेंट थे अब ये जो एर, एरिया ऑफिसर होगा इसको इसने जो भी फाइंडिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड करी हैं ऑन साइट जब इवेल्युएशन करने के लिए एयर ऑफिसर गया एरिया ऑफिसर गया तो उसके जो भी फाइंडिंग्स होंगी उस एरिया की उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू दिस ऐप एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप ओके सो हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प सो इट विल हेल्प इन रिकॉर्डिंग द टाइम स्पैंड टाइम स्टैम्प्ड एंड जियो टैट फोटोग्राफ फॉर ऑल द स्कीम्स लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अभी क्या करेगा कि जब ये साइट पे जाएंगे तो वहीं पर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये जो आ, स्कीम जो है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है और इसका स्टेटस जो है एट प्रेजेंट ये है तो टाइम स्पेंड टाइम भी पता चल जाएगा उसी वक्त जब ये रिकॉर्ड करेंगे ऑन साइट पहुँचेंगे और रिकॉर्ड करेंगे वेल्युएट करेंगे तो टाइम का पता चलेगा प्लस जियो फोटोग्राफर होंगे तो साइट में जो भी प्रोग्रेस होगी दैट विल ऑल्सो भी मॉनिटर्ड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है बेसिकली आप जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको सिमुलेट करते हैं मशीन्स में यानी कि जो मशीन्स हैं विल एक्ट लाइक ह्यूमन्स जैसे कि ह्यूमन सोचते हैं ठीक है ठीके? जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है उसी तरीके से जो मशीन्स दैट वुड दैट कुड आल्सो सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस ठीक है that would, that एंड द मशीन्स वुड भी मोर करेक्ट क्योंकि जो कुछ कोई प्रोसेस होता है लाइक like कंप्यूटेशन का है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर हो जाती है कोई चीज़ें कंप्यूटेशन वगैरह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प इन दैट ओके सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट स्ट मैनेजमेंट सिस्टम अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है लेट्स रीड अबाउट दैम फर्स्ट इज इट विल आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ पिंक बॉल वॉम एंड अदर

क्या होगा ए आई बेस्ड जो पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसके थ्रू क्या होगा पहले सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं इट विल देन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन दैट एरिया तो फर्स्ट थिंग क्या है आइडेंटिफाई करेगा ठीक है आइडेंटिफाई करेगा ये पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कि पिंक बोलवम का यहाँ पर डेंजर है पोटेंशियल है कि पिंक बॉलम यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया है ठीक है ब्रीडिंग इसकी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है एंड स्टार्टेड डैमेजिंग योर क्रॉप उसके बाद ये इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा किसके साथ शेयर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ नहीं शेयर करेगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फार्मर्स के साथ डायरेक्टली ठीक है सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी शेयर विद द फार्मर्स अब फार्मर्स क्या एक प्रो एक्टिव मेजर ले लेंगे अब इनको पहले ही पता चल गया भाई कि पोटेंशियल है यहाँ पर कि पिंक बॉलवॉर्म जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं तो दे विल टेक दिस प्रोएक्टिव मेजर्स और यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स राइट सो इट्स गोइंग टू सेव देयर क्रॉप कॉटन क्रॉप सो सेकेंड स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए वन ओनली ठीक है तो ए आई बेस पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा

एग्रीकल्चर कॉपोशन एंड फार्मर वेलफेयर बेसिकली भी आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये तो ये रिलीज़ करता है दिस थर्ड एडवांस एस्टीमेट्स तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फूड ग्रीन प्रोडक्शन है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का दिस इज अराउंड दीज आर दप्शन थ्री हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फोर फोर मिलियन टन थ्री जीरो सिक्स पॉइंट फाइव फाइव मिलियन टन थ्री जीरो सेवन पॉइंट थ्री जीरो सेवन मिलिय टन थ्री जीरो एट मिलियन टन सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्जैक्ट फिगर सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर दिस इज थ्री जीरो फाइव पॉइंट फोर फोर मिलियन टन एंड इज मोर देन द लास्ट ईयर्स ग्रेन प्रोडक्शन जो टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी का प्रोडक्शन था उससे ज़्यादा है एंड इन फैक्ट इट ऑल्सो मोर देन एवरेज़ फाइव ईयर प्रोडक्शन अगर हम देखें ठीक है एवरेज फाइव ईयर प्रोडक्शन अगर आप देखें तो उससे भी ज़्यादा है तो दिस इज अ रिकॉर्ड हाई थ्री जीरो फोर थ्री जीरो फाइव पॉइंट फोर फोर मिलियन टन रिमेंबर दिस फिगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट अब आत्मनिर्भर भारत आपको पता है न्यूज में हमेशा ही रहता है काफी टाइम से है ना आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है जो पीपल है दे शुड भी इंडिपेंडेंट दे शुड लाइक वी शुड

देन वी हैव वाइब्रेंट डेमोग्राफी येस देर अनदर टू पिलर्स ठीक है जो दो हैं वो कौन कौन से हैं एक तो आपकी डिमांड डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर uh, इकॉनमी है ना डिमांड होगी कंज कंजन ज्यादा होगा तभी आप प्रोडक्शन करेंगे है ना अगर डिमांड ज्यादा है कंजम्पशन ही नहीं हो प्रोडक्शन ही उतना ज्यादा नहीं हो तो इन्फ्लेशन हो जाता है वहाँ पर तो इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए डिमांड हमेशा रहनी चाहिए है ना फिर अनदर इंपॉर्टेंट पिलर वो सिस्टम सिस्टम की बात करें उन्होंने तो सिस्टम कैसा होना चाहिए सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम की बात करी उन्होंने ठीक है टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ठीक है जो कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाए ठीक है तो ये पांच पिलर्स हैं इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइब्रेंट डेमोग्राफी डिमांड एंड द टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ओके नॉट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज एंड इट से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजेल्स बेस्ड ऑन द हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय आईएआरआई व्हिच इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ठीक है सो okay? so, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं हाइड्रोजेल्स के रिगार्डिंग अब हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं हाइड्रोजेल एक तरीके के आप समझ लें वाटर कैप्सूल्स होते हैं ठीक है वाटर कैप्सूल्स होते हैं इस, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट uh, है पढ़ लेते हैं फर्स्ट थिंग इट हैज़ अ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर 400 टाइम्स टू इट्स वेट दिस वन इज टू एब्सोल्युटली करेक्ट ओके सो जो इसका वेट मान लो अगर वन ग्राम है तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वाटर को होल्ड करने की दैट वुड बी अराउंड फोर टाइम्स ऑफ दैट लाइक फोर हंड्रेड इसकी कैपेसिटी होगी ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट हेयर इज वेन सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस द जेल रिलीज इज वाटर इन द सॉइल दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एक फार्मर्स इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ जो आपका हाइड्रोजेल है आप समझ लीजिए कुछ कैप्सूल्स हैं या बॉल्स हैं वाटर बॉल्स इस तरीके की बहुत छोटी छोटी होती हैं इसको क्या किया जाता है जो प्लांट है आपका यहाँ पे रूट्स के पास इसको कुछ सेंटीमीटर होल करके इन कैप्सूल्स को यहां डाल दिया जाता है ठीक है इन बॉल्स को यहां डाल दिया जाता है अब जब आपका सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस होगा आपका सॉयल मॉइस्चर रिड्यूस होगा तो ये जो कैप्सूल्स होंगे ये अपने आप ओपन हो जाएंगे एंड दिस विल रिलीज वाटर इन टू दॉयल एंड विल प्रोवाइड इनफ मॉइस्चर फॉर द सस्टेनेंस ऑफ योर प्लांट ठीक है तो दिस इज हाउ इट वर्क्स थर्ड स्टेटमेंट हेयर इज दिस रिड्यूस द नंबर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन रिक्वायर्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्रॉप एब्सोल्यूटली करेक्ट इसका फायदा क्या है कि अगर आपने ये कैप्सूल्स जो है वो इंसर्ट कर दिए हैं रूट्स के आसपास तो जब भी सॉइल मॉइस्चर कम होगा अपने आप ही ये कैप्सूल्स ओपन हो जाएंगे एंड विल प्रोवाइड इनफ मॉइस्चर टू दि सॉइल एंड यू डों डोंट हैव टू प्रोवाइड इरीगेशन है ना बार बार इरीगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फील्ड को तो दिस इज द बेनिफिट ओके So all of these statements are correct, and the correct option would be four that is all of the above. right? So this is it with today's session. I hope you like it in case you have any queries, do post it down on the comment section. okay, I'll try to resolve them and yeah, keep working hard, keep studying. We'll see you in the next session, okay.